दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में कहते हैं ना कि तुम्हें पता है मेरा बाप कौन है, गुड़गांव में पता होता उनको और वो बताते भी हैं कि यो हमारी जमीन से है, यो ये जो साइबर हब है हमारी जमीन पे बना हुआ है, ये जो एम्बियंस मॉल है ये भी हमारी ज़मीन पे बना हुआ है, यो पता नहीं किसकी ज़मीन थी, हमने गोली मार दी, अब ये भी हमारी ज़मीन है। अभी रिसेंटली आई मूव टू गुड़गांव, क्योंकि हम मर्दों की बात कर रहे हैं तो मैं गुड़गांव की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गुड़गांव इज़ दी ओनली फादरलैंड। वहाँ पेट्रियार्की इतनी हाइट पर है, मतलब वो वहाँ भी वो टेस्टोस्टेरोन लेवल यहाँ तक है, वो कुछ नहीं दिखाई दे रहा उनको सिवाय मतलब अपनी मर्दानगी के, कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। पर मैं ऐसी जगह शिफ्ट होना चाहता था दिल्ली से कि जहाँ पे कोई हिस्ट्री हो। लोगों ने कहा NCR देख लो, नोएडा देख लो। मैंने कहा यार नोएडा क्या जगह, क्या मैं कहूँ हिस्ट्री नहीं है इसकी, इनका अपना नाम ही नहीं है अभी तक, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। मैं ये ऐसी जगह कह रहे हैं ना, किसी ने कहा कि गुड़गांव चले जाओ। हाँ ये हुई ना बात हरियाणा, मैंने रिसर्च की, क्या जगह है यार, क्योंकि श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उच्चारण हरियाणा में किया था, ठीक है, कुरुक्षेत्र में पर्टिकुलरली। उन्होंने कहा कि कर्मण्येव थिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। इसका हरियाणवी ट्रांसलेशन है देखी जाएगी। जितना इस श्लोक का अर्थ गुड़गांव के प्रॉपर्टी डीलरों ने समझा है किसी ने नहीं समझा। महाभारत का जितना महात्म्य है सिर्फ गुड़गांव के प्रॉपर्टी डीलरों को पता है कि धंधे के अंदर जमीन की लड़ाई में ये नहीं देखना कि सामने वाला भाई है, गोली मार दो। दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में कहते हैं ना कि तुम्हें पता है मेरा बाप कौन है, गुड़गांव में पता होता उनको और वो बताते भी हैं कि यो हमारी ज़मीन से है, यो ये जो साइबर हब है हमारी ज़मीन पे बना हुआ है, ये जो एम्बियंस मॉल है ये भी हमारी ज़मीन पे बना हुआ है, यो पता नहीं किसकी ज़मीन थी, हमने गोली मार दी, अब ये भी हमारी ज़मीन है। देखो फटती तो है थोड़ी सी क्योंकि माँ बलेशु कदा जना, ठीक है ना, झगड़ा हो जाए किसी का तो वो ये नहीं पूछता कि क्यों झगड़ा हुआ है, वो सीधा पहुंच जाते हैं गाड़ियां वाड़ियां लेके ना, माँ बलेशु कदा जना देखी जाएगी। तो मेरी फटती तो है, एक तो वहाँ पे राइट मुड़ते टाइम कोई देखता नहीं है राइट की तरफ, ना तो हाथ देता है ना इंडिकेटर देता है, दिल्ली में फिर भी लोग यूं कर देते हैं, वहाँ नहीं करते क्योंकि वो राइट विंग स्टेट है तो उन्हें लगता है यहाँ कुछ नहीं है। तो मैंने घर खरीदा, आई एम लविंग इट, अच्छी जगह है गुड़गांव, पर हरियाणा गुड़गांव नहीं है। हरियाणा है वो जहाँ पे वो खेत वेत शुरू हो जाते हैं, जहाँ पे पेड़ पौधे ग्रीनरी ये वो। तो मैं ऐसे ही जा रहा था पंजाब की साइड पे, तो मैंने वो गूगल आंटी वो लगाई हुई थी, मैं आप बताऊं कि ये औरत ठीक नहीं है। उसने इतना घुमाया मुझे, पता नहीं कहाँ, पहले तो मैं खुश हो रहा था कि आ ग्रीनरी है, वाह खेत आ गए, ठीक है। एक जगह पे एक दीवार थी, दीवार के आगे भैंस थी, मैं कहा यार ये तो ठीक रास्ता नहीं। तो वहाँ पे एक ताऊ बैठा था, ताऊ क्या मेरी एज का था। तो मैंने उसे पूछा, मैंने कहा ताऊ ये हाईवे पे निकलना है किधर से जाऊँ, तो वो मेरे को कहता आप ना सरदार जी यों चले जाओ।
मैं कह ये तो मैं वहीं आ जाऊंगा ना फिर। कह रहे नहीं, जहां जहां तक कणक बीज रखी है वहां तक सीधे चले जाओ, और जहां पे चावल बीज रखे हैं वहां से उल्टे हाथ हो जाना, आप निकल जाओगे बाहर हाईवे पे। अच्छा, हम अभी तक समझते थे तरबूज पेड़ पे लगते हैं। तू सोच रहा है कि हमें पता है कि कणक और चावल में क्या होता है। तो तभी वहां पे एक यंग लड़का आ गया, उसने कहा कि ताऊ क्यों गलत रास्ता बता रहा सरदार जी को। ताऊ बोला तू बतावागा ठीक रास्ता, तेरे को हमने नंगा देखा है। पांच छह लड़के और आ गए, तो वो लड़के को लगा कि यार मेरी थोड़ी बेइज्जती हो रही है, तो कहता नंगा तो ताऊ हमने भी तो नहीं देखा है। तो वहां पे रास्ता तो बताने वाली बात जो थी वो तो साइड हो गई। वहां पे लोग ये डिस्कस करने लग गए कि किस किस ने किस किस को नंगा देखा। मैंने कहा इससे पहले ये मुझे नंगा देख लो। मैं गाड़ी बैक करके निकल गया।